तो क्या हाल है भाई, सुनने और देखने वाली पब्लिक। तो भाई वॉइड भाई का ट्रैक आउट हुआ है आखिरी खत, और उसके आगे ना भाई ने डेथ नोट क्यों लिखा है आई डोंट नो, इसके बारे में भाई पता नहीं। बट ट्रैक को सुनते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सीरियस ट्रैक होने वाला है। सो लेट्स सी क्यों, लेट्स गो करेंगे हम अब सुनने वाले हैं। ये लगाई है हेडफोन ईयरफोन जो भी कुछ है, सुनते हैं। बट ये टाइटल में डेथ नोट क्यों लिखा है पता नहीं, ट्रैक सुन के पता चलेगा। क्या हुआ? सॉरी भैया, भाई शूटिंग देखो, शूटिंग स्टार्टिंग में देख लो कि भाई कहीं ऊपर खड़े होके ऐसे बंदा कूदता है ना ऊंचाई से, मतलब जो सीरियस मैटर है, मतलब कि अपनी जिंदगी से खत्म होना चाहता, मतलब डेथ वगैरह कूदना चाहता, मतलब आत्महत्या जो करते हैं लोग, वैसा कुछ दिखाया भाई स्टार्टिंग में। देखो तो सीरियस ही मैटर है, सुनते हैं अब। इतनी ऊंचाई, आखिरी खत। सुट्टा नशे की हालत में पूरा भाई, बिल्कुल नशे की हालत में, डिप्रेशन में शायद। पहले तुझसे मांगी माफी, तेरा आधा प्यार भी मेरे लिए काफी, तूने ही तो दी है मुझे मेरी जिंदगी, छोड़ के मैं जा रहा कैसी बेइंसाफी। वही है भाई अकेलापन, मतलब बोलते ना एक अकेलापन आ जाना, अकेले रह के। अब ये भाई अकेला कहीं रहता है, उत्तराखंड रहता कहाँ है, बस लिखाई कर रहे हैं। वही रैपर लोगों का पता है कि भाई सुट्टा मार रहे हैं, वो चीज़ है, मतलब डिप्रेशन में आ जाना, वो चीज़ इस ट्रैक में पूरी बया करी गई है। देखो स्टार्टिंग में माँ पहले मांगू तुझसे मांगू माफी, ऐसी कुछ देखो। पहले तुझसे मांगी माफी, तेरा आधा प्यार भी मेरे लिए काफी, तूने ही तो दी है मुझे मेरी जिंदगी, छोड़ के मैं जा रहा कैसी बेइंसाफी। बचपन से तेरी बाहों में सुकून चाहती थी, कुछ और दिन घर में रुकूं, कैसे बदलू मैं अपने करम, काश मुझसे बेहतर बेटा मिले अगले जन्म। है खतरनाक वाली लाइनें लिखी हैं, बिल्कुल बहुत खतरनाक वाली लाइनें भाई इस ट्रैक में बिल्कुल। और पापा आपको कितना मैं चाहता, काश गले लगा के ये पाता, सपने देखना आपने ही तो सिखाया, काश अपने सपनों को भी पूरा करके दिखाता। जाने क्यों मैं डूब गया खाई में, मैं कूद गया खुद से ही रूठ गया सब भी। जाने क्यों मैं कूद गया खाई में, देखो जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हुआ आ रहा हूँ स्टार्टिंग से, मतलब कि वही है ना कि सबको छोड़ के, फैमिली को छोड़ के अपने ही धुन में बंदा निकल चुका, तो वही है अब जाके रियलाइज हो रहा है, रियलाइज पछतावा हो रहा है वो चीज। जाने क्यों मैं डूब गया खाई में, मैं कूद गया खुद से ही रूठ गया सब पीछे, छूट गया जो शीशा मेरी हंसी दिखाता, वही आज इन हाथों में टूट गया। और ये किसी की भी गलती नहीं, क्योंकि ये फैसला मैं खुद ही कर चुका, धड़कन मेरी चलती नहीं, क्योंकि अंदर से मैं कब का मर चुका। कल ही अपने दो दोस्तों के साथ बैठा, खुश था मैं दो पल पर, जैसे मैं घर आया मैंने खुद को ही पाया, अंधेरे में भूलने लगा मैं वो पल और फिर से फिसल। I know you wanna know why did I do it, मुझे भी वही है भाई, रियलाइज लाइफ को लेके रियलाइज हो जाना, मतलब किसी चीज़ में अपन जा रहे हैं तो उस चीज़ को एक टाइम पे उस चीज़ के बारे में हमको रियलाइज हो जाना, तो वो चीज़ इस ट्रैक में हुई है पूरी, और वही चीज़ भाई बया कर रहा है। I know you wanna know why did I do it, मुझे भी नहीं पता and I wish that I knew it, दुआ कर रहा that the pain stops, wanna stop falling down like the raindrops, जिसे बचपन से चाह दूर करा, अपने दिल से कई बार लड़ा, कोई भी नहीं आ रहा यहाँ अब मेरे लिए, फिर भी जाने क्यों इंतजार में हूँ खड़ा, भूल चुका what it felt like to be in love, अच्छा।
अच्छे दिन नहीं अच्छे पल मुझे याद है हाँ मेरे साथ हैं स्कूल के वो दोस्त एग्जाम के वो नोट्स और बहन के भी हाथ के वो जले हुए टोस्ट और भाई लड़ता रोज पर प्यार करता मोस्ट और लेटर्स भी आते थे मुझे बाय पोस्ट और पहला वो किस पहला वो रोज पहली वो सिगरेट पहला वो रोज मतलब कि सब चीजें अब याद आ रही हैं सब चीजें चीज़ें हैं भाई अलग जाओगे एक टाइम के बाद समझ आएगी तो समझ जाओगे तो वही चीज़ें इस ट्रैक में पूरी वही चीज़ दिखाई है बहन के जले हुए रोस्ट और दोस्तों की मतलब कॉलेज स्कूल वाले दोस्त फैमिली के बारे में सब चीज़ याद और वही सिगरेट फिर बंदा फूका आखिरी खत है तू सोच 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 मुझको है होश तेरा ना दोष जख्मों को नोच आंखों को पोछ ए आखिरी खत है तू सोच ए आखिरी खत है तू सोच ये आखिरी खत है तू सोच अभी भी उसी जगह की वीडियो दिखा रहे हैं Void X सुप्रीजर फिल्म हाँ जो भी है तो वही चीज़ है भाई एक चीज़ें एक ना लोगों को चीज़ें एक दिखाई है मतलब बोल सकते हो कि लोग इससे इंस्पायर हो सकते हैं अगर वो चीज़ को डीपली समझे तो वही चीज़ है अकेला बंदा रह रहा है या किसी भी चीज़ को एक्स वाई जेड उसको छोड़ के जा रहा है फिर एक टाइम के बाद वो चीज़ गलत है फैमिली बारे बता रहे हैं वो चीज़ समझ नहीं आ रही फिर उसको बाद में समझ आती है रियलाइज़ होता है तो पूरी कहानी बेस पूरी लिरिक किस पूरे लिरिक्स वगैरह उसी चीज़ पे बेस हैं तो कैसा लगा ट्रैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अभी आधे घंटे पहले आए 23 मिनट पहले आया है सो वीडियो पढ़ते पढ़ते एक घंटा हो जाएगा मुझे भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा रिलेटेबल लगा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें भाई मिलते रहेंगे ऐसे ही तब तक के लिए बाय।